हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कॉन्सेप्ट में। मैं मनोज राहुल, आज आपको पढ़ाऊंगा 8 दिसंबर का करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला है हमारा, चीन ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान चांग E-4 लॉन्च किया। इस ये जो लॉन्च किया गया है, इसमें ये होगा कि अभी तक दुनिया में जितने भी यान लॉन्च किए गए हैं वो चंद्रमा के उस हिस्से का एनालाइज करते हैं जो कि हम पृथ्वी से देख सकते हैं। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि किसी देश द्वारा इस तरह का कोई यान छोड़ा गया है कि जो कि चंद्रमा के उस हिस्से का एनालाइज करेगा जो कि पृथ्वी द्वारा नहीं देखा जाता है। क्लियर, बस इसके इसमें केवल इतना ही है। अगला है, एफएओ परिषद ने, ये ध्यान देने वाली बात है, परिषद बोला जाए ना कि एफएओ संगठन, एफएओ परिषद ने भारत के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ठीक है, अब प्रस्ताव क्या थे भारत के, भारत ये चाहता था कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाए। क्लियर, ठीक है, एफएओ का फुल फॉर्म होता है खाद्य और कृषि संगठन। क्लियर, अगला है, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी राजदूत के रूप में हीथर को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, हीथर को नियुक्त किया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नया ढांचा शुरू किया। क्लियर, अगला है, इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा और प्रकोप फैलाने वाला इबोला पूर्वी कांगो के एक बड़े शहर बुटैम्बो में फैल गया है। ठीक है, इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा है और ये शायद अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए उनमें आने की संभावना इसकी काफी है। ठीक है, अगला है, संयुक्त, पहले वाले पे बात करते हैं अगर, तो दोबारा जो मैंने पहला पढ़ाया था इबोला वाला, आईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इस तरह के जो संक्रमण बार बार होते हैं, जो महामारियां होती हैं, उनके लिए भारत कितना तैयार है। अगर भारत में इस तरह की चीजें होती हैं तो भारत इस तरह के लिए कितना तैयार है। ठीक है, तो इस तरह इस संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में 50% तक की वृद्धि हुई। क्लियर, ये भी आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्मार्ट परियोजना शुरू की। इसके तहत क्या होगा, ये 10,000 गांव में शुरू की गई है। इसके तहत ये होगा कि जो महाराष्ट्र के जो ग्राम है वहां पे कृषि से संबंधित व्यवसाय और गांव की स्थिति को सुधारा जाएगा। केवल इसमें यही है, वहां के राष्ट्र जो हमारे गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। क्लियर, अगला है, भारतीय तट रक्षक ने पोर्ट ब्लेयर में क्लीन सी 2018 नामक अभ्यास शुरू किया। क्लियर, अगला है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ISPCS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंग मजदूरी अंतर, ध्यान देने वाली बात है, इसमें बोला गया है लिंग मजदूरी अंतर, मजदूर नहीं मजदूरी अंतर। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, ये रिपोर्ट बोली दी गई है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो दी गई है प्रति घंटे के हिसाब से दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रति घंटे एक पुरुष को जो पे मिलती है उसके अकॉर्डिंग 34% कम एक महिला को मिलती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो है ना उसके बारे में हाईलाइट करा जो कि नहीं होने चाहिए। अगला है और लास्ट, द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किसने करा है, हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। ठीक है, इन पुस्तकों में राष्ट्रपति के चयनित भाषणों के ऊपर बोला गया है। ठीक है,
आज की वीडियो हम अपनी ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।